हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है, मैं हो रही हूँ रेडी। आज बहुत दिनों बाद, मतलब मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैं कब गई थी लास्ट बार काली मैया के मंदिर, जो कालसी माता है, कब गई थी मुझे याद भी नहीं है। तो आज हमने फाइनली वहाँ का प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया, शायद आज माता रानी ने मुझे बुलाया है, चाहा है उन्होंने, क्योंकि मेरे जाने से क्या होता है, उनको मंजूर है आज मेरा आना, तभी ये हो पाया है। वरना इस बीच कई बार और भी प्लान हुआ कि जाऊँगी जाऊँगी, लेकिन नहीं जा पाई। तो आज फाइनली माँ ने जो है मेरे को बुला लिया है। मैं बहुत जाती हूँ काली मैया को, मैं बहुत मानती हूँ कालसी माता को, मैं मानती वैसे सभी देवी देवताओं को हूँ। ऐसा मेरा कुछ नहीं है कि मैं कान्हा जी को ज़्यादा मानती हूँ या मैं साईं बाबा को, या मतलब जैसे भी जो भी लोग होते हैं, मेरा कुछ ऐसा नहीं है। तो बस अभी जो है रेडी होती हूँ और फिर हम निकलते हैं। सूट मैंने अपना आज ये काफ़ी दिनों बाद ब्लू वाला पहना है। तो तैयार हो चुकी हूँ मैं और मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू कर देते हैं, फिर होता नहीं है। ठीक 9 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं कालसी माता के मंदिर। आज बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, मैं और विपिन जा रहे हैं और हमारे साथ जा रही है खुशी। ये रही खुशी, तो ये जा रही है हमारे साथ। दोनों बच्चे गए हैं स्कूल। आज तेरी छुट्टी थी, आ गया था मैसेज, तो इसकी छुट्टी है तो ये भी हमारे साथ जा रही है। मैं कहा चलो मंदिर चलते हैं, फिर वहीं से वहीं शायद मैं शॉप पे रुक जाऊँ। शायद अगर 10:30 हो रहे होंगे तो मैं रुक जाऊंगी वहीं के वहीं। ये साफ करवा लेने, यहाँ पे बाल बाल ना रहे। चने और वो उबल गए राजमा, आके ये छौंक लगा लेगी और चावल बन जाएंगे उसके साथ। जैसे ताज़ा खाना बनेगा ना, मैं ना आई, थोड़े से इतने से राइस निकाल के उसमें चीनी डाल देना, गाय को चले जाएंगे। चलो भाई चलो, चप्पल चप्पल, कल भी मैं ऐसी चप्पलों में चली गई थी। वो तो शुक्र है शॉप पे हैं, पर मुझे जुतियाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। जुतियाँ लानी भी हैं, जब की बार जाऊँगी ना पंजाब साइड, वहीं से लाऊँगी, वहाँ जुतियाँ अच्छी मिलती हैं। अच्छी थी ये भी, मजबूत हैं, लेदर की हैं, लेकिन लूज़ हो गई हैं तो इस चक्कर में। और इससे छोटा साइज़ था नहीं, इससे छोटा साइज़ होता तो वो परफेक्ट होता है। चलो प्रसाद लेना है तो मिठाई लेने गए हैं विपिन, देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं मिठाई में। और मुझे फूल भी लेने हैं तो देखते हैं, माला लेनी है। गुलाब के फूलों की होती ही नहीं है, होती है? नहीं, इनके पास 65 तक मतलब देगा, मांग तो 70 रहा, देख लो करनी है मीटिंग करवा दूंगा। पर उन पे हुए हो सकती है क्या? हाँ, गुलाब के फूल भी है। ये तो रुक ही नहीं रहे, मुश्किल है। रुको, जा पूछ के आई हूँ, वैसे मुश्किल लग रहा हूँ। तो उसमें गोपाल ने कहा होगा भाई मुझे दे दे जमीन, अभी तेरा विवाद चल रहा उसे पता ही है सारा, उसने उसे मेरे को ही लगा दिया। तो हम लोग निकल गए हैं आगे की तरफ और यहाँ पे हो रहा था बहुत अच्छा नज़ारा, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों के लिए ये कोई नया नहीं है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन जब भी मैं इसको देखती हूँ तो मुझे नया लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं हमेशा तो नहीं, बहुत बारी तो मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया यहाँ पर आके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो यार शेयर करते हैं। ना चाहते हुए भी मैंने फ़ोन उठा लिया और थोड़ा थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाया। हमारे यहाँ से ना यही खासियत है कि आप आधा घंटा गाड़ी चलाओ और आप एक ऐसी लोकेशन पे पहुँच जाओगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चाहे आप राइट हैंड जाओ, चाहे आप लेफ्ट हैंड जाओ, चाहे आप किसी भी दिशा में जाओ, आपको आधा घंटा चलने के बाद बहुत अच्छी लोकेशन मिल जाएगी। पिकनिक मनाना है, मून रिफ्रेश करना है, आप दुखी हो तो आपको थोड़ा निकलना है, मतलब आपका काम बन जाएगा। आधा घंटा सिर्फ आपको ड्राइव करनी है। तो घर मेरा काफ़ी अच्छी जगह है। दूसरा ये जो एरिया है जहाँ मेरी शादी हुई है, क्योंकि मैं हूँ यूपी से, हापुड़ से, तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ ट्रैफिक ये वो, यहाँ एकदम शांति है, एकदम शांति। मेरा बहुत दिल लगता है यहाँ पे शुरू से ही। तो पहुँच गए हैं मंदिर, नीचे चलेंगे और माता रानी के आप लोगों को दर्शन करा पाती हूँ नहीं करा पाती हूँ कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि नीचे जो है माता रानी के दर्शन वीडियोग्राफी, मतलब उन
उनकी या फोटोग्राफी उनकी वर्जित है, मना है। तो कई बार मैंने आपको करा दिया क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये कुछ गलत तो नहीं है, मैं दर्शन ही करा रही हूँ, किसी गलत के तरीके से नहीं कर रही हूँ। पर जैसे वहाँ लिखा होता है, अगर वो लोग देख रहे होते हैं मेरी तरफ तो मैं नहीं दिखाती हूँ, मुझे ये लगता है वो मेरे को डांट देंगे, जो कि चलो वो ठीक भी है, पता नहीं क्यों उन्होंने किया हुआ है। तो मैंने आज आप लोगों को दर्शन नहीं कराए, यहाँ तक के लिए वो मना नहीं करते हैं। पर हाँ, जैसे माता रानी को दिखाना अलाउ नहीं है, पता नहीं क्यों, मैंने कभी पूछा भी नहीं है और ना मैंने, खैर मैं अगली बार पूछूंगी, चलो पंडित जी से पूछूंगी कि ऐसा क्यों। और अब हमें भंडारा भी करना है, बस माता रानी फटाफट से करवाए, क्योंकि कराने वाली माता रानी ही है सब कुछ। प्लानिंग तो हम कर लेंगे लेकिन जब तक वो नहीं जाएंगी नहीं होगा। तो कब कराना है, कहाँ कराना है, कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ वाली काली माता को मैं बहुत मानती हूँ कालसी माता मंदिर में, और जो दरे वाली है वो मेरी सास बहुत मानती थी। तो दोनों मंदिर में हम सोच रहे हैं कि एक में इस वाले नवरात्रों में या दिसंबर तक जब भी, और एक में मंदिर में उधर जो अप्रैल वाले आते हैं तब करा लेंगे। तो विपिन से बात करूंगी बैठ करके, बात तो हमारी हो गई पर ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन से मंदिर में कराना है। तो मंदिर में मत्था टेका, फिर जो है थोड़ा सा बैठे, फिर ये जो सामने का नज़ारा है ना, अगर आप लोग यहाँ आए हो तो आप यहाँ खो जाते हो थोड़ी देर के लिए। एक तो बहुत ही ज़्यादा शांति, शांति मतलब वैसे वाली शांति, एक अजीब सी आवाज़ तो बहुत है यहाँ, पानी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और मैंने यहाँ आना शुरू किया था, ज़्यादा गई तो मैं यहाँ पहले भी हूँ, लेकिन 2018 में मैंने माता रानी से कुछ बोला था कि आप जानना चाहेंगे उसकी स्टोरी, उन्होंने वो मेरा सुन लिया। मुझे नहीं पता मैं कैसे, क्या चीज़ें हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई। चलो वो स्टोरी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फिर हमने यहाँ, मैं थोड़ी देर खड़ी रही, यहाँ खड़े होने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, बहुत सुकून सा मिल रहा था। तो मैं खड़ी होके बस सामने पहाड़ों को देखती रही, और माता रानी का जितना धन्यवाद करूँ उतना तो कम है, लेकिन शुक्राना करते रहना चाहिए जब आपको लगे तब। जरूरी नहीं है मंदिर में खड़े होके या अपने मंदिर में खड़े होके, आप कहीं पे भी खड़े हो, जब आपको अच्छा फील दे तुरंत भगवान को याद करो और उनका शुक्राना करो। तो चलो मत्था टेक लिया है हम लोगों ने, अब हम जा रहे हैं। हम सोचे कि चलो खुशी आई है, इसको नाश्ता कराते हैं, कहीं आलू के पराठे का, तो देखते हैं कहाँ करते हैं। तो पूछो ना, बरसी में पूछो मिलेगा क्या सुबह के टाइम, तो वहीं कर लेंगे। पहुंच गए हैं घर, और घर पहुंच के मैं बना रही हूँ मैगी खुशी के लिए, लेकिन खुशी अकेली के लिए नहीं, मैं भी खाऊंगी। तो हमने सोचा था कि रास्ते में कुछ खाएंगे, लेकिन मनीष भैया का फ़ोन आया था, वो घर आ गए थे। तो फिर उनसे बात हुई, तो ऐसे ही हम उनसे भी पूछने लगे थे कि आपके लिए भी कुछ बना बनाया ले आते हैं नाश्ता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, छोले भटूरे मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो मैगी का ऑप्शन रख लेते हैं, क्योंकि उनको मैगी पसंद है और हमें भी पसंद है। लेकिन घर आने के बाद पता चला उन्होंने तो नाश्ता ऑलरेडी भाभी के यहाँ पे कर लिया था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब खुशी और अपने लिए बना लेते हैं, क्योंकि हम भी कुछ नहीं खाकर आए थे, कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर यहाँ पे बन रही है चाय, चाय बन रही है नेहा के लिए, क्योंकि उसने बोला कि वो मैगी नहीं खाएगी, उसने एक दिन पहले ही मैगी खाई है तो उसका मन नहीं है। तो उसने बोला कि मेरे लिए चाय बना दो, मैंने कहा चल ठीक है तेरे लिए चाय बना रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड पे ही, दूसरी गैस पे ही मैगी बन रही है, तो एक साइड चाय बन रही है और एक साइड मैगी बन रही है। दूध का भगोना भी जो है इस तरीके से यूज़ हो जाता है, चाय भी बन जाती है और मंजना तो है ही वो दूध खाली करके। और यहाँ पे मैगी जो है मैं लहसुन वाली बना रही हूँ, इसमें बहुत अच्छा लहसुन का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे लगभग ये रेडी है, बस इसमें मसाला वगैरह ऐड करके थोड़ी देर पका के, और ये हो गई थी रेडी। ये देखिए क्या ख़तरनाक लग रही है, हमने एक एक पैकेट ही बनाया कि एक पैकेट खुशी का हो जाएगा, एक पैकेट मेरा हो जाएगा। छोटी छोटी सी कटोरियों में आ गए थे, क्योंकि होती कितनी है एक पैकेट मैगी, ना तो मेरा खाने का बहुत ज़्यादा दिल था ना उसका, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि मतलब
दो दो पैकेट बनाऊँ, तीन पैकेट बना लूँ, मेरे को तो थोड़ी सी खानी है। तो उसने कहा कि नहीं मेरे को भी थोड़ी सी खानी है। मैंने कहा चल ठीक है फिर दो पैकेट बनाते हैं। और उसके बाद मैगी खाई। मैगी खाने के बाद थोड़ी देर मनीष भी आ गए थे, उनके साथ बैठे बात बात की। उसके बाद फिर आ गए थे किचन में। किचन में मैंने कहा चलो थोड़ा सा खाना बना, थोड़ा क्या खाना बना लेते हैं। राजमा और चने सीटी लगा के गए थे हम मंदिर, तो वो उबले हुए ही थे, तो यहाँ पे बस उनको तड़का लगा रहे हैं। तेल गरम हुआ, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च चोपर में कर लिया था, तो यहाँ पे बस उसको जो है तेल में डाला और अच्छे से भून लूँगी अब इसको, जब तक कि ये भून नहीं जाता। और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से भून चुका था, तो इसमें ऐड कर दिया है टमाटर। टमाटर भी चोपर में कर लिया था, यही मेरा जो चोपर है होम शॉप टिन वाला ये, क्योंकि जो दूसरे चोपर थे वो तो भाई मेरे लगातार एक साल में 5-6 चोपर टूटे हैं मेरे, बहुत सारे पैसे वेस्ट गए। 300-300 करके भी लगाए तो 1500-1600 रुपये मेरे वेस्ट गए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और हल्दी और नमक ऑलरेडी पहले ही डाल देती हूँ मैं जब मैं बॉयल करती हूँ, चाहे वो कोई सी भी दाल हो, मोटी दाल हो, बारीक दाल हो, कोई सी भी हो। तो अभी इसमें मसाले डालने शुरू कर रही हूँ। अब जैसे राजमा हो, चने हो, छोले हो, तो मैं उनमें गरम मसाला और जीरा पाउडर डालती हूँ, धनिया पाउडर वगैरह ये सब, और रंग वाली लाल मिर्च, तो वो सब डाला। ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाया था, तो यहाँ पे जो है मैं ये डालने के बाद, मसाले डालने के बाद मसाला भून के, टमाटर भून के, फिर जब वो भून गया तो उसमें मैंने चने और राजमा डाल दिया था। तो यहाँ पे जो है अभी इसको मिक्स कर दूँगी। कुकर रखने चली गई थी मैं उधर की साइड पे, रखने के मैंने कहा वॉश कर लूँ, इसी में चावल छौंक दूँगी। तो फिर अभी देखिए इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से, और थोड़ा सा पका लूँगी, पानी नहीं डालूँगी पानी, क्योंकि मेरे को इनफ़ लग रहा है। तो देखिए धनिया भी डाल दिया है, और मज़ेदार से जो चने और राजमा है, चने और राजमा का कोई मेल नहीं है, लेकिन थोड़े से चने थे थोड़े से राजमा थे, दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने कहा इस तरीके से ये यूज़ हो जाएंगे, ऐसे ही जैसे राजमा है थोड़े से, छोले हैं थोड़े से, तो उनको मिक्स कर देती हूँ। तो जो भी चीज़ मोटी डालें, क्योंकि ये बारीक के साथ तो गल नहीं सकती, इनको या तो भिगाना पड़ेगा तब गलेंगी। तो यहाँ पे हमारे जो राजमा चने हैं रेडी हैं, बस मैं इसकी गैस बंद करूँगी और खाना पीना खाएंगे। अभी चावल छौंके हैं, और उसके बाद फिर मैं निकलूँगी शॉप के लिए। चलो भाई मैं चलती हूँ, बच्चे घर ही हैं, गुड्डू तन में भी आ गए, अब तो मनीष भी आ गए थे, हमारे साथ ही निकल जाएंगे। और इन लोगों को बाय बाय का, चलो बाय। आंटी काम करेगी तो देख लेना, मतलब पहुँचे ही रह गया, बाकी चैनल लगा लेना, बैठ जाना अंदर, पढ़ लेना, बंदर आते हैं ना तो इसलिए चैनल लगा लेना, तुम भी खा लेना थोड़ी देर। हाँ तो अभी तो आंटी के जाते ही चैनल लगा लेना, बंदर बंदर आए। चलो बाय। बर्तन वर्तन देख लेना, किचन देख लेना एक बारी, नीट एंड क्लीन हो बढ़िया एकदम। बाथरूम खुला ही रखना, तभी सूखेगा ये, टाइल्स वैसे सूखती हैं। तन में टीवी देख के पढ़ाई करो, अभी तक पूरा रखा हुआ है, खाया नहीं। राजमा राजमा खाना तो है। चलो जैसिका, बाय बेटा, बाय बेटी। मैं आ गई थी शॉप जैसे कि आपने देखा, उसके बाद फिर थोड़ी देर अपना काम वाम किया, फिर लगभग 2-3 के बीच का टाइम था, मैंने सोचा चलो कुछ खाते हैं। राजमा और चने घर पे बने थे, वो मैं इस छोटे से डब्बे में अपने लिए डाल लाई। आधी तरफ मैंने चावल डाले, आधी तरफ मैंने चने और राजमा डाले। छोटी सी ये कटोरी है, बहुत ही एयर टाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट है, इसका ढक्कन खोलने में जान निकल जाती है। और इसमें लिक्विड चीज़ डाली हुई हो तो बहुत सोच समझ के खोलना पड़ता है कि छक दे से खोली और कपड़े गंदे। और साथ में ये है मसाला, ये मसाले के पैकेट किसी चीज़ के साथ फ्री आए थे, तो ये मैंने बचा के रखे हुए हैं। हालांकि इनकी डेट सिर्फ सितंबर 31 तक है, तो मैंने कहा यूज़ कर लूँ उससे पहले पहले। तो मैं एक शॉप पे ले आती हूँ, जिस दिन भी दही लाती हूँ उसमें मिक्स कर लेती हूँ, और या जैसे छाछ बनानी है तब उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से यूज़ भी हो रहे हैं और ख़त्म भी हो जाएंगे, और मतलब ये भी नहीं है। वैसे तो मैंने ऊपर सामान रखा हुआ है सारा, और भाई ऊपर की भी डीप क्लीनिंग हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से हफ्ता हो गया है। मुझे ना थोड़ा सा लगने लगता है कि भाई धूल जम गई होगी, ये हो गया होगा, तो थोड़ा मन में आ जाता है, तो फिर दोबारा से जो है क्लीनिंग वगैरह में लगना पड़ता है। व्लॉग मेरा आज बहुत लेट जा रहा है, और ये व्लॉग देख लो सैटरडे का है,
सैटरडे का व्लॉग आज मेरा जा रहा है, आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ। बीच बीच में मैंने एडिटिंग करी थी लेकिन वही है कि फिर रह जाती थी, फिर कभी कुछ इस तरीके से। तो आज वेडनेसडे में ये व्लॉग आपको मिलेगा। 3-4 दिन लग गए एडिटिंग करने में। रेडी था व्लॉग सैटरडे को ही, संडे को मैंने डाला नहीं, बस इस तरीके से करते करते आज वेडनेसडे हो गया। तो आप लोग भी खा लो, मैं भी खाती हूँ, बहुत टेस्टी बन रहे थे। हालाँकि मुझे चने पसंद नहीं है, राजमा और छोले तो फिर भी मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे मोटी दालें उतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे बारीक मसूर की काली वाली हो, लाल वाली हो, चने उड़द की हो या फिर मूंग की, तो मुझे नहीं पसंद। मूंग की तो मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। तो बस खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद फिर अपने काम पे लगूंगी, लाइव वगैरह, ऑर्डर्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह और ऑफलाइन का या पैकिंग का, ये सारी चीज़ें चलेंगी। मैं आई हूँ शॉप से, मैंने मूंग धोया आकर के, क्योंकि थोड़ा सा ना धूल मिट्टी हो ही जाती है। और मुझे जाना है देहरादून, लेकिन मेरे ये ब्लीच वाले जो गोल्डन, देखो अभी भी बाल दिख रहे हैं, तो जाके कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैं लेज़र कराने का सोच रही हूँ क्योंकि वो वापस ही भेज देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ना वैसे होने चाहिए ब्लैक, और इनको पता नहीं कितना टाइम रहेगा। और फिर करवा चौथ आ जाएगा, 1 महीना ही रह गया है लगभग, पता नहीं मैं करवा पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं। दाने वाने निकलते हैं उसके बाद, क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे मंगलसूत्र में हो गई है प्रॉब्लम, थोड़ा सा डैमेज हो गया है। हम गए थे परसों गए थे शायद, पंजाब साइड गए थे, मतलब 2-3 दिन पहले, तो मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ है। और सोना भी नहीं खोया, वो अंदर इधर की साइड लगा रह गया। जो मंगलसूत्र का नीचे का लटकन थी वो निकल गई है, वो यहाँ लगी रह गई। अब मैं देखती हूँ चेंज कराती हूँ, क्या कराती हूँ कुछ नहीं पता अभी, तो देखेंगे। अभी तो मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, तो नवरात्रों में ही होगा। करवा चौथ पे विपिन कुछ तो दिलाएंगे ही, कुछ वो दिला देते हैं, कुछ मैं भी ऐड करती हूँ उसमें। और कई बारी मैं खुद को भी गिफ्ट दे देती हूँ, जैसे कमेटी वगैरह निकली है, क्योंकि कमेटी शुक्र है कमेटी टल चुकी है, 2 कमेटी जा भी चुकी है मेरी। तो मैं क्या करती हूँ, उससे मैं कुछ गोल्ड वगैरह बना लेती हूँ, फिर वो अच्छा रहता है, गोल्ड बन जाता है। गोल्ड और प्रॉपर्टी सबसे अच्छी चीज़ है, प्रॉपर्टी से भी अच्छा होता है गोल्ड, क्योंकि प्रॉपर्टी को तो कई बार क्या होता है आपको सेल करने में, जैसे हमें एक प्रॉपर्टी सेल करनी है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, गाड़ी का भी सोच रहे हैं और थोड़ा सा जो है चाहिए भी पैसे। हमारे जो ये शॉप कराई थी हमने, पूरी रेडी कराई थी, मतलब शुरू से लास्ट तक कराया था, ज़मीन लेने से लेकर उसको बनवाने तक, तो टोटल हमारा 25-26 लाख रुपया लगा था। अब 25-26 लाख किसी की पॉकेट में तो होते ही नहीं है, कहीं ना कहीं से लिए हुए होते हैं, तो हमने कहीं से उठाए थे, वो भी हमें क्लियर करना है। तो इसीलिए जो हमारी एक प्रॉपर्टी है, हम उसको सेल करने के लिए कहा हुआ है। अभी श्राद्ध चल रहा है, तो उन्होंने श्राद्धों के बाद बोला है, मतलब बात तो उनसे पिछले 1.5-2 महीने से चल रही है और कुछ पेमेंट आ भी चुकी है उनसे, क्योंकि वो बयाना कुछ होता है वो, लेकिन अभी पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। तो वो पूरा पेमेंट करेंगे तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, और थोड़ा सा हमारा गाड़ी के लिए भी, जैसे मैंने आपसे बात की थी, कुछ कमेंट भी आ रहे थे, अब आपका गाड़ी का क्या हुआ, गाड़ी का नहीं बताया। गाड़ी का देखो, मेरा तो यही कहना था विपिन से कि गाड़ी जो है, जो हम लोग देख रहे थे, हमने देखी थी SUV देखी थी, SUV देखी थी हमने, और एक देखी थी हमने, कौन सी, स्कॉर्पियो, तो हमने 2 देखी थी। तो दोनों का क्या है ना कि जो SUV है वो तो 28-30 लाख तक है ना, वो इतने की है जो ऑन रोड करके, और जिसका क्या बोलते हैं उसको मॉडल, जो बिल्कुल वो वाला होता है, जो बिल्कुल नंबर 1 पे होता है, हाँ, जो सबसे बेस्ट सबसे ऊपर होता है वो वाला, तो वो इतने का पड़ेगा। अब वो सीधी सी बात है, उतना तो होता नहीं है कि सीधा गए और ले आए, क्योंकि कमेंट आ रहे थे ना उस टाइम कि आपका पॉकेट अलाउ करता होगा तभी आप ले रहे हो या विपिन भैया ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। विपिन भैया किश्तों पे लेने की बात हुई थी, पूरा अमाउंट थोड़ी देंगे, 30 लाख का ये लगा लीजिए कि कुछ ही जाएगा, बहुत छोटा सा, उसकी आगे 6-7 साल तक किश्तें होंगी। मैं नहीं चाहती कि वो हो, बहुत सारी चीज़ें देखो दिमाग में आता है ना, कल को 1% हमें कुछ हो जाए, ये वो, फिर वो बच्चों के लिए थोड़ा सा रहता है, इन सारी चीज़ों का रहता है, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे को थोड़ा सा रहती हैं। तो मैंने सोचा था कि चाहे चलो हम सेकेंड हैंड की तरफ चलते हैं, सेकेंड हैंड ले लेंगे, तो उस पर ध्यान जा रहा था। तो उसके लिए ट्रू वैल्यू बता रहे थे देहरादून में, जहाँ से सेकेंड हैंड गाड़ी मिलती है,
तो कुछ विपिन ने ही बताया था ट्रू वैल्यू करके है, तो वहाँ से ना सेकेंड हैंड गाड़ी हम देखेंगे, वहाँ पे नई नई है। अब उसका भी प्राइस वगैरह देख के फिर हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि 30 लाख तक मैं नहीं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ इतना सारा लोन, नहीं बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। अब आगे आगे क्या है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी बढ़ रही हैं, खर्चे, आज तो मैं बिजली का बिल सुन के ही चौंकी पड़ी हूँ, इतना बिल आया पड़ा है। पिछले महीने का भी जो है दिखा रहा है उसमें 7,000 के लगभग बिल, मतलब ऐसे लग रहा है मेरे को वो बार बार चीज़ याद आ रही है, गुस्सा सा आ रहा है यार इतना बिल। अभी इन लोगों की क्लास लगाई, तीनों अलग अलग कमरे में बैठे रहते हैं, तो मैंने बोला, मैंने कहा तीनों एक साथ बैठा करो, चाहे मैं भी हूँ, अभी तन्मय ट्यूशन से आया, इतना बार टीवी चला के बैठेगा, पंखा चला के बैठेगा। मैंने कहा एक पहली बात तो मैं वो चीज़ शुरू से बोलती हूँ, टीवी इतना देखना ही नहीं चाहिए चाहे फ्री का भी हो। तो अभी उसको बोला है 7 बजे से देखना शुरू किया है, 8 बजे मैं उसका बंद करा दूँगी। तो अभी जो है काफ़ी सारी मैंने आप लोगों से बातचीत कर ली है, विटामिन ई का कैप्सूल लगा रही हूँ, जब लगाती हूँ तो ऐसे करके, अभी आज ठीक लग रहा है ना, दो दिन नहीं, मैं पिछले तूने नहीं लगाया था तेल में मिक्स करके महीना भर, मतलब है शायद अभी छोटे छोटे बाल आने शुरू हुए हैं, पर मुझे कम लग रहा है, मुझे पिछले 2 दिन से कम लग रहा है, इतने बड़े तो नहीं हो सकते, 1 महीने में छोटे छोटे बाल आ रहे होंगे, केयर करनी पड़ती है भाई, फिर आए या ना आए 1-2 महीना देख लेते हैं करके। और पूरा ब्लॉग अब मैं बातों में ही निकाल दूंगी, यहाँ पे बैठी हैं खुशी कुमारी, आगे नहीं बोलूँगी, आगे नहीं बोलूँगी, फिर सब बोलेंगे, इसके भी एग्ज़ाम है, इनके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, इसके शुरू होंगे, 3 दिन के हैं बट 1 दिन में 2-2 एग्ज़ाम है इसके, तो बहुत मुश्किल होता होगा पढ़ना यार, मेरे को पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैंने कभी नहीं बताया ना आपको ये बात, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरे को पहले भी नहीं लगता था, और मतलब ऐसे तो मैं अभी मैं 2-3 दिन पहले पूछ रही थी ना कि कुछ सीख लूँ क्या, कल ही तो पूछ रही थी, कल शाम, कल शाम जब एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही थी, क्योंकि इन दिनों मेरा फुल ऑन फोकस अपने बिजनेस पे है, उससे रिलेटेड ज़्यादा बातें तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो थोड़ा होता है कि सबका इंटरेस्ट, दूसरा कुछ पर्सनल चीज़ें पर्सनली रहनी चाहिए, कुछ आपके जो प्लान्स होते हैं वो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, आप कभी भी मत बताइए, क्योंकि 2 रीज़न है उसके, एक तो ये है कि आप बता देते हो तो सबको गा देते हो, तो कई बार क्या होता है उस चीज़ पर काम उतना नहीं हो पाता है, फिर उसमें क्या रहता है, हाँ ये तो ये बोल रहा था ये हुआ नहीं, ठीक है, एक तो उसका ये होता है। दूसरा क्या है ना, आपके प्लान से आप अपने तक रखें, दूसरे के साथ शेयर ना करें, क्या पता आप सोचते रह जाए और सामने वाला वो चीज कर ले, तो प्लान्स अपने थोड़ा रखने चाहिए अपने पास, सभी को, मेरे को नहीं सभी को, और ये बात भी मुझे आप लोगों ने ही सिखाई, आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो लोग बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सा उन चीज़ों को फिर मैं मानने लगी हूँ कि भैया हाँ अपनी चीज़ें थोड़ा रखो अब, और तो मेरा अभी उस पर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, रश्मि कलेक्शन को लेकर काफ़ी बिजी चल रही हूँ मैं, ऐसा कुछ बिजी भी नहीं हूँ बट हाँ बिजी भी बहुत हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में लगी हुई हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे बहुत आगे तक जाना है, मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे अब मेरे को ये लगता है, देखो मैं नहीं भी करूं विपिन करे, अच्छी लाइफ तो बच्चों को मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा रहता है ना और अच्छा और अच्छा और अच्छा, और जब हम ये काम कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि उस पर फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट हमें करना चाहिए। तो हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो सकता है ना ही सहमत हो, और ये चैन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रही है, ये चेन मैंने बनवाई थी, कब बनवाई थी, तब मेरी सास भी थी, भाभी ने भी बनवाई थी एक, और एक मैंने बनवाई थी, इसका डिज़ाइन इस तरीके से है, बीच बीच में ना ये थोड़ी इस तरीके से घूमी हुई है, और ये ना कपड़ों में इलझती भी है, जैसे यहाँ लग गई ना ये 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 तो ये धागा खींचती है, और मैंने पहन ली, गला खाली था तो मैंने कहा पहन लेती हूँ, कुछ तो चाहिए, फिर से गर्मी हो गई है, और 9 मिनट मैंने आप लोगों से बातचीत कर ली है,
अब अगर टाइम लगा एडिट करूँगी तो मैं हो सकता है कि 9 मिनट को कम कर दूँ। टाइम नहीं लगा और बातें सारी सही लगी, पकाऊ नहीं लगी तो एडिट नहीं करूँगी। तो देखते हैं, चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। विपिन जी भी आ चुके हैं, पीछे से हाई कर दूँ। हेलो। और इन दिनों मुझे अपनी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही है ना? पिछले 1-1.5 हफ्ते से मेरी आवाज़ भारी हो गई है। कैसी हो गई है? भारी तो थी ही, ऐसी कोई सुरीली आवाज़ मेरी नहीं थी, बट मेरे को मेरी आवाज़ में थोड़ा सा महसूस देता है। बोल चुकी ज़्यादा, मैंने अपने बोलने के सारे जो वो थे ना, जो भगवान ने टाइम दिया हुआ था बोलने का, वो लगभग समाप्ति की ओर आ रहा है, तो वो इस वजह से वो हो रहा है। तो चलो जी, हम करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय कीजिए। बाय। गुड बाय कीजिए। मैं शॉप पे कब गई कब आई आप लोगों को पता ही नहीं चला। 8 बजने वाले हैं अब से 20-25 मिनट पहले आई हूँ मैं। चेंज किया, मूड हुआ और आप लोगों से बात करने बैठती, और शॉप पे खाना खाने के बाद सीधा लगी हुई थी, बैठी नहीं थी। तो चलो बाय बाय।